वही नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सई और विराट उस बच्चे की परवरिश एक साथ ना शुरू कर दे। नहीं मतलब उन दोनों ने गाना गाना तो शुरू कर ही दिया है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, ये मैं। और अगर उस बच्चे ने कभी कह दिया, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे बाबा की चचोना है, तो सही भाग के यहाँ पे आ जाएगी। और अगर उसने कभी कह दिया, मुझे मेरे आई की बहुत याद आ रही है, मुझे आई की चचोना है, विराट वहां पे भाग के चला जाएगा। और अगर आता काय झाला हसायला? नहीं मतलब मेरे सिर्फ मन में ऐसे आया है कि अगर उस बच्चे ने कभी कह दिया, मुझे आई और बाबा दोनों की याद आ ली है, मुझे दोनों की चाचोना है, तो आप क्या करेंगे? वही नहीं गप्पा बस सोनाली, विराट की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चलेगा कि सभी उसकी बच्ची नहीं है। रिजी तू बोल रही है ना, मेरे रहते मैं कभी होने नहीं दूंगी। सही, अब हमें क्या करना चाहिए? वापस कणकवली चले? मुझे लगता है अभी कुछ दिन हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं सभी को और तकलीफ में नहीं देख सकती मौसी। बस इस दौरान विराट कोई बेवकूफी की हरकत ना करे। मौसी अब बैठो। अगर सभी को मुझसे लेने आए तो भूल जाइए, जाइए यहां से। मेरी बात सुन लो। मुझे ना ही आपकी कोई बात सुननी है, ना ही आपकी शक्ल देखनी है, जाइए यहां से। विराट देखी तो नहीं? देखिए विराट प्लीज जाइए यहां से। मेरी बात सुन लो, माफी मांगने आया हूं मैं। सभी को तुमसे दूर रखने के लिए, तुम्हें मुजरिमों की तरह जेल में बंद करने के लिए सॉरी बोलने आया हूं। I'm sorry। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, अनजाने में मैंने वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। सभी को मुझसे दूर रख के अपनी इसी हरकत के लिए माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने आए हैं? मुझे लगा मेरी बेटी छीन कर मुझसे पाखी दीदी को देने आए हो, जैसे पिछली बार किया था मेरे बेटे विनायक के साथ। और अब तो ऐसा करने की आपके पास जायज वजह भी है। अब वो आपकी पत्नी जो है, आपका पैटर्न नहीं बदला, अभी भी गलती करके माफी मांगते हो। आप तो आप ही हो ना? मैं जब गलती करता हूं ना, माफी मांगने की हिम्मत भी रखता हूं। पिछली बार मैंने गलती की थी उसके लिए माफी भी मांगी थी, इस बार भी मांग रहा हूं। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, इतने साल मुझे मेरी बेटी से दूर रखने के बाद अपने किए के लिए तुमने माफी तो दूर, तुम्हें पछतावा भी नहीं है। सॉरी सुनने आए हैं? बिल्कुल भी नहीं, अपनी बेटी को देखने आया हूं मैं। मैं आपको उससे नहीं मिलने दूंगी, मिलना तो दूर की बात है, मैं आपकी परछाई भी उस पे नहीं पड़ने दूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर रख सकती हो? विराट माफी मांगने आए थे ना, मांग ले, अब जाइए यहां से। बिल्कुल नहीं जाऊंगा,
मेरी बेटी को मिले बगैर, उसे देखे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैं माफी मांग रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर रख सकती हो। दुनिया की कोई भी ताकत अब मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख पाएगी, तुम भी नहीं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए मिस्टर विराट सवान, सभी मेरी बेटी है, वो किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी उसका फैसला मैं करूंगी। आज तक हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते आए हैं और आगे भी वैसे ही जिएंगे। कुछ दिनों में जब सभी इस सदमे से उभर जाएगी तब मैं उसे यहाँ से बहुत दूर लेके चली जाऊंगी। तुम ले जाओगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। मैं सभी का भावा हूं, तुम्हें लगता है कि तुम सभी की जिंदगी के फैसले लेते रहोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि इतने साल वो जिस बाबा का इंतजार कर रही थी, जिसका नाम वो कणकवली के पेड़ों पर लिख रही थी, जिसे मेले में ढूंढ रही थी, वो बाबा मैं ही हूं। फिर मैं देखता हूं किसके साथ जाएगी, तुम्हारे अम्मे, क्योंकि मैं उसे बता दूंगा कि उसकी आई नहीं इतने सालों तक ये बात छुपा के रखी थी। नहीं, रुक जाओ विराट, प्लीज रुक जाओ। सभी को कुछ भी मत बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे माफी मांगू तो ठीक है, मैं आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज सभी से कुछ मत कहो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। सभी को कुछ भी बताने से पहले कम से कम ये तो सोच लीजिए कि आप उसके सवालों के जवाब कैसे देंगे। छोटी बच्ची है विराट, हजार सवाल पूछेगी, हर सवाल का जवाब कैसे दोगे? वो आपसे पूछेगी कि इतने समय तक आप कहाँ थे, उससे दूर क्यों थे, तब क्या कहोगे? उसे बता पाओगे क्या हम साथ में क्यों नहीं रहते, हमारे बीच क्या हुआ था, क्यों हुआ था? क्या आप उसे ये बात समझा पाओगे? जब वो आपसे ये पूछेगी कि आप किसी और औरत के साथ क्यों रहते हो, आपका अलग परिवार क्यों है, तो आप उसे क्या कहोगे विराट? और समझाने के लिए आप एक बार उसको समझा भी दो, लेकिन वो छोटी बच्ची है, वो इन बातों को नहीं समझ पाएगी। प्लीज विराट, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत बताओ, उसके दिल पे इतना बड़ा बोझ मत डालिए। आई को क्या हो गया? आई ने तोल सोल से नॉक क्यों कर लिया? आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे, इसलिए मिलने चलाया। मैरी आपको बहुत मिस कर ली थी। सभी आपकी आई उसे बहुत प्यार करती है बड़ा। आई को क्या हो गया? आई ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बड़ा। और आज मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा। गुड न्यूज? नहीं, विराट दरवाजा खोलो, विराट मैंने कहा दरवाजा खोलो। लेकिन उससे पहले हम तुम्हारा फेवरेट गाना सुनेंगे। ओके ओके उसे कुछ मत कहो विराट, उसे कुछ मत कहो प्लीज। सभी बड़ा आपकी आई आपसे बहुत प्यार करती है, प्लीज मुझे गलत मत समझना प्लीज।
सही आता हूँ बड़ा, मुझे तो इस बात में शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे आदमी को अपना दामाद समझा था। रडूलो को वाला जान दो, कैसे जान दो मौसी, कैसे जान दो, मेरी दुनिया बर्बाद कर रहा है। वो सभी को बता रहे कि वही उसके बाबा है, मुझे आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। ये गुनियस आप कैसे देते? ये गुनियस पूरे संगल देने वाले थे। गुनियस? उफ़ आई, आप ये कैसे भूल सकती हो? रुको। आपको याद है? मैंने पूरे संगल को ये पेपर्स दिए थे उनको अडॉप्ट करने के लिए। तो ये देखो, उन्होंने इनके पास साइन कर दिए। ये मेरे बाबा बनने के लिए मान गए। और मेरे बाबा भी है सबसे बेस्ट बाबा। मुझे मीनू दादा के ही बाबा दिए थे। ये मेरा बहुत याद लगते हैं और वो जिस्म जिस्म करके सारे कुंडों की पैन बताते हैं। और वो पर साफी तल भी है। अब मेरे पास आई भी है और पापा भी है। अब मेरी सबकी तरह फैमिली पूरी हो गई। अब मैं सेल्फी की चुकी। आपको पता है मीनू की आई और प्रियशंकर मेरे भी पापा है। अब मैं ये फोटो जल्दी से दादा को भेज देती हूँ और मैं उनको गुनी सुनाऊंगी। आती 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 जल्दी आओ ना। हाँ बाड़ा। आती, मुझे मीनू दादा का फोन मिला के तो ना। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो पत्र लिखा? विराट तुम घर से बिना बताए चले आए थे और बाबा परेशान हो रहे थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ विराट कि तुमने सभी को बता दिया कि तुम ही उसके बाबा। नहीं बताया मैंने उसे, नहीं बताया कि
मैं उसका पापा हूं। उसने जो मुझे अडॉप्शन पेपर्स दिए थे बस उसी पर साइन किए। थैंक यू विराट, सभी को सब कुछ नहीं बताने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि चीजें और उलझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर रखो। धमकी दे रही हो? नहीं, लेकिन तुम्हें समझना होगा सही, अगर तुम सभी को मुझसे दूर ले जाओगी तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तुम्हें होती। इतने सालों से मैं उससे दूर रहा हूं और दूर नहीं रहना चाहता हूं मैं उससे। मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन 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 अगर मगर मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करोगी। तो आप सभी को अपने साथ रखना चाहते हो? चाहता तो वही हूं, लेकिन जानता हूं तुम उसके लिए नहीं मानोगी। इसलिए बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम सभी को लेकर कहीं नहीं जाओगी, यहीं नागपुर में रहोगी, ताकि मेरा जब दिल करे मैं अपनी बेटी को मिल सकूं। मैं उसके लिए मौजूद रहना चाहता हूं सही, उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता हूं, उसके सपने उसकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूं मैं। दिन हो या रात, जब मेरी बेटी को मेरी जरूरत हो मैं उसके पास रहूंगा। इसलिए तुम्हें मुझे वादा करना होगा सही, तुम कहीं नहीं जाओगी मेरी बेटी को लेकर, यहीं नागपुर में रहोगी। विराट, अगर हम यहां रुक गए तो चीजें और उलझ जाएंगी, सबकी उलझने बढ़ जाएंगी। और वैसे भी अब आपका एक परिवार है, आपकी पत्नी है, क्या इस बारे में आपने अपनी पत्नी से बात की? आपका इस बारे में क्या कहना है? पत्र लेखा, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? पत्र लेखा से क्यों पूछ रही हो तुम? और उसमें पूछने जैसा है क्या? सभी मेरी बेटी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। अब विराट के लिए मेरी राय भी मायने नहीं रखती। तुम मुद्दे को मत भटकाओ सही, वादा करना ही होगा तुम्हें। ये तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करोगी, यहीं नागपुर में रहोगी। Come on, promise me. नहीं जाऊंगी। वादा करती हूँ। मतलब हमने तो प्लान में आया था ना, वो काम कर गया। मुझे संगल ने अडॉप्शन वाले पेपर्स पे साइन कर दी। रियली? हाउ जे ये मैं गुड न्यूज़ सबको दिखा दूं। आज बाबा ने सभी के अडॉप्शन पेपर्स पे साइन कर दिया। ये Thank you.
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.